सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि पूरे उत्तर प्रदेश पर क्षत्रियों ने राज किया, चाहे वो बुंदेलखंड हो जो कि बुंदेला क्षत्रियों के नाम पर है, चाहे वो अवध हो, पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो। आज हम बात करने जा रहे हैं रोहिलखंड की, जो कि कतेहर राजपूतों की रियासत होती थी और इस पूरे रोहिलखंड को पहले कतेहर कहा जाता था, जब तक रोहिला पठान जहां पर आए नहीं थे। तो भाइयों, कतेहर जो था वो राजा राम सिंह कतेहरिया राजपूत ने जहां को बसाया था। कतेहरिया राजपूतों में 18 वंश थे जो पूरे मिलाकर जहां के कतेहरिया राजपूत बने, जिसमें चौहान, राठौड़, गहलोत, सिसोदिया, निकुंभ, पुंडीर और बहुत सारे क्षत्रिय। तो भाइयों, बात है 18वीं सदी की। तो भाइयों, औरंगजेब के बाद ही रोहिला पठान, जो कि खैबर पख्तून, जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, वहाँ से पश्तून निकलकर इस इंडिया की तरफ आए थे, और जब वो ज़्यादा तादाद में हो गए तो इसको कतेहर से कहा जाने लगा रोहिलखंड, जो कि इन्हीं रोहिला पठानों की वजह से। तो भाइयों, लगभग बात हम कर रहे हैं नादिर शाह की। जब नादिर शाह जो कि हमला करता है नॉर्थ इंडिया पर, नादिर शाह बहुत ही खतरनाक था, उसने तो दिल्ली भी जीत ली थी मुग़लों से, और मुग़लों की जितनी भी औरतें थी उनको नंगा करके नचाया था, और तब उसने हमला किया था हिमाचल सिरमौर में, और सिरमौर के बाटी राजपूत राजा ने इसी नादिर शाह को बुरी तरह से हराया था। नादिर शाह ना मुग़लों से हारा, ना किसी से हारा। जब वो अफगानों से पश्तूनों की एक बड़ी लहर लेकर आया तो उसने रोहिलखंड से लेकर दिल्ली तक अपनी हुकूमत, लेकिन उसको हराने वाले तब सिरमौर के बाटी राजपूत थे। कहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शातव।